सम्मानित श्री साहब सिंह जी बड़कुर ग्राम नारायणपुर, आप भी से पत्नी मंच पर पधारे और जो भी बाहर से अतिथि सम्मानीगढ़ पधारे हैं, सभी से आग्रह है आप सभी मंच पर पूजन हेतु पधारे। जो भी पूजन करना चाहते हैं भागवत जी का, आप अतिशीघ्रता से मंच पर पधार कर भागवत जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यथाशक्ति अपने पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो लोग आ गए हैं कृपया आग्रह है, जो हमारे बंधु सम्मानीय अतिथिगढ़ पधारे हैं आग्रह है आप सभी खड़े होकर थोड़ा इधर आ जाएंगे, सामने से खड़े होकर आ जाएं, थोड़ा सा आग्रह है, विलम्ब नहीं करें, खड़े होकर आप जल्दी से आ जाएं, इधर सभी सामने आ जाएंगे इधर खड़े होकर। हमारे आदरणीय तुलाराम जी से आग्रह है सभी को सामने की ओर लेके आए, उधर से जो जगह खाली दिख रही है आगे सभी को इधर एक साइड में करें, सभी को सम्मान से लेकर आए, सभी से निवेदन करें हाथ जोड़कर। समस्त बढ़कर परिवार से आग्रह है जो पूजन करना चाहते हैं अतिशीघ्रता से मंच पर पधार के भागवत जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता बहने जो भी आगे हैं कृपया शांति से बैठते जाएंगे, कोई भी बातचीत ना करें। और आग्रह है जो लोग आ रहे हैं कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। अब हम आप सभी चलते हैं मंगल में भागवत कथा सत्संग रसधारा की ओर। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन, जो भी अपने साथ में मोबाइल फोन लाए हैं तो कृपया अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लेंगे या हो सके तो 3 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दें, जिससे कि हम आपको कथा में बिगड़ना पड़े, निर्विघ्न कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, ऐसा हम सभी ध्यान रखेंगे। और द्वितीय आग्रह आप सभी से